गुड मॉर्निंग डीवाई फैमिली, हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अभिनव। जी हाँ, आज लेकर आया हूँ दोबारा से आप लोगों के पास वॉइसेस, और वॉइसेस में हम लोग लेकर आए नवरात्रि स्पेशल। भाई क्या बात है कि पूरी यूनिवर्सिटी में ही इस वक्त नवरात्रि का माहौल है। सभी लोग, सारे डिपार्टमेंट, सारे स्कूल्स और सारे स्टूडेंट्स मिलकर इस नवरात्रि फेस्टिवल को मना रहे हैं और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इसके बारे में आपको कुछ बातें मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं और इस दैवीय माहौल को और भी ज़्यादा डिवाइन दैवीय बनाना चाहता हूं। शुरुआत करता हूं। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है, पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक ये मनाया जाता है। नवरात्रि के नवरातों में तीन देवियों माँ लक्ष्मी, महा सरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इन नवरातों और दस दिनों के दौरान शक्ति देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नौ देवियां हैं। शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्ध देने वाली माँ। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित नौ तिथि, नौ नक्षत्र, नौ शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद दसवें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के नौ दिनों में क्रमश अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। नवरात्रि के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवदुर्गा और दस महाविधाओं में काली ही प्रथम प्रमुख हैं। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली दश महाविद्या अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दसवें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति है जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। नवरात्र भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। सभी को प्रणाम।